सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके पास कि एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर को आप ऊपर से रिलीज़ करते हो, जब ये नीचे आता है 20 मीटर हाइट अपन को दी है ये, और जब ये नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है ये अपन को निकालना है। तो जितनी एनर्जी इसको रेस्ट से रिलीज़ करते हैं, जितनी एनर्जी यहाँ पे है, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही, जितनी एनर्जी यहाँ पे है उतनी ही टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल है क्योंकि कुछ हाइट पे प्रेजेंट है, तो MgS इज इक्वल्स टू, अब जब नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो लीनियर मूव कर रहा है और एक रोटेट भी कर रहा है, तो दो तरीके की एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इसकी एनर्जी, एक तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि प्योर रोल कर रहा है तो प्योर रोल में हमेशा क्या होता है, वी इक्वल्स टू ओमेगा, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर के बराबर। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई एज इट इज ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा वी बाय वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आई की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं एम के स्क्वायर। यहाँ पे एम इसका मास है और के रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में आई का फॉर्मूला होता है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सो आई की जगह लिख देते हैं हम एम के स्क्वायर। अब यहाँ से एम 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 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए, वी के लिए सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एच, सॉरी ऐसे लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू वी माइनस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच। यहाँ पे अपन वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सॉरी, तो अपन वो बेटर रहेगा। वी स्क्वायर मैंने एल एच एस में कॉमन ले लिया, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर तो हम पुट करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये जी एच को एज इट इज़ रहने दो। वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ये भी कॉमन आ जाएगा तो टू बाहर ले लेते हैं, वन प्लस इट विल बी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसको वी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर टू जी एच बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास इसकी। अब हमको हाइट गिवन है, हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और के जो होता है वो भी हम निकाल सकते हैं सॉलिड इसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हमको के की वैल्यू निकालनी है ना सॉलिड स्फीयर के लिए, तो उसको एम के स्क्वायर इक्वल्स टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ठीक है। टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का, और एम के स्क्वायर क्या है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सभी बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के बराबर होता है, और जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाई फाइव एम आर स्क्वायर के बराबर है। एम से एम कैंसिल करेंगे तो हमको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी 2 बाई फाइव, ठीक है ना। वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एच अपन को पता ही है, सॉल्व करेंगे तो अपने पास वी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 16.90 मीटर पर सेकेंड। कीप वॉचिंग सिमरन सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।